नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं पाथरडी केडीएम पब्लिक स्कूल में। इस स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ, बच्चों के द्वारा क्राफ्ट बनाया गया है। और आपको खास बात बताया कि ये इस स्कूल में हम पढ़ाई किए हैं बोध, अभी इंग्लिश मीडियम हो चुका है, तो बोध 1 और 2 पढ़े थे। और 1 क्लास में मेरी क्लास टीचर मैम है, इनसे हम आशीर्वाद लें। हाँ, तो नाम भी हमको याद है, हम नाम लेना सही नहीं लगा हमको, तो मैम सब मिले हैं काफ़ी सालों के बाद, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैम आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, मेरा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज इतने अच्छे पे हो और आए हो मिलने के लिए, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जिस स्कूल में हम पढ़ाई किए उस स्कूल में हम आए हैं, तो इस स्कूल में हम आपको दिखाएंगे बच्चों के द्वारा बनाया गया जो क्राफ्ट दिखाते हैं। इधर ये बहुत अच्छा अच्छा बनाया गया, देखिए ये देखिए, ये बल्ब से, फ्यूज बल्ब से, कौन सा ये बच्चे खरगोश बनाए हैं। अभी बहुत कुछ है क्लास वाइज बनाया गया बच्चों द्वारा, तो बच्चों से भी बात करेंगे कि आखिर वो बनाए क्या है, उनका मकसद क्या है बनाने का, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में देखेंगे और आपको दिखाएंगे। तो बच्चे हमको पहचानते हैं, आप पहचानते हैं? नाम क्या हुआ आपका? सांभवी मिश्रा। कब से देख रहे हैं? बहुत साल से देखे सर को ब्लॉग। हाँ, आप एक बार और आए थे यहाँ पे, कुछ हुआ था प्रोग्राम, तो ब्लॉग जो आपको याद हो कौन सा देखे? ये हमारी बच्चों ने कुछ एग्जीबिशन किया, इसमें मेरा भाई अंश, उसने एक्सप्लेनेशन भी दिया था। ये हमारी प्रिंसिपल मैम है। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप बच्चों के लिए इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम हम देखते हैं, हर बार आप लोग करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। मैम कुछ कहना चाहेंगे हमारे ब्लॉग? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि आज 12 जनवरी 2024 यूथ डे के अवसर पर हमारे बच्चों से हम लोगों ने ये जो छात्र प्रदर्शनी का आयोजन करवाया है, ये प्रदर्शनी जो है हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्रों के तीनों के मिलजुल कर के सहयोग किया है, इस सहयोग से ये संभव हो सका है। हमारे इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने बच्चों में प्रतिभा और उनका जो कौशल विकास है उसमें वो प्रगति करते चले जाएं। जो दूसरों के सामने बोलने से हिचकिचाते हैं तो फ्रंट में खड़ा करके कि वो लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़े, वो टीम वर्क भी करने में उनको आदत बनेगी, उससे उनमें क्या और एक नई एनर्जी, नया उत्साह आ रहा है और उत्साह के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला हर जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट आगे चल के देश के भविष्य के लिए स्वामी विवेकानंद की राह पे चल करके और देश के लिए एक योग्य नागरिक बन सके। ऊपर वाले हॉल में आ गए और यहाँ पर बच्चों के द्वारा साइंस एग्जीबिशन का प्रदर्शन लगाया गया है, चलिए अब आपको दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज रानी कुमारी, आई एम स्टडी फॉर क्लास 8B फ्रॉम केडीएम पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम हियर रिप्रेजेंट टू यू अबाउट द विलेज एंड टाउन सिटी। सो थ्रू आवर मॉडल आई एम रिप्रेजेंटिंग इट। Life in a village and city both have their and importance. Life in a village is totally important from difference from city lives. People in village are mainly depend upon agriculture. It is because there are different facilities available. The level of pollution is very dangerous. Facilities are available. Thank you sir so much for giving request to time. Please visit again. Good morning sir, welcome to our exhibition. My name is Ragini Kumari from class 9. I would like to draw your attention about hemodialysis. You know this is the most important topic, hemodialysis, and I would explain about how to filtrate our nitrogenous waste in our blood. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये किडनी का मॉडल रेडी किया है, इस मॉडल के द्वारा हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो यूरिन फॉर्म में थ्रो आउट होती है। तो सबसे पहले जो है हमारे रेनल आर्टरी से अनप्योरिफाइड ब्लड हमारे किडनी में आती है, एंड देन किडनी में जो अनप्योरिफाइड ब्लड है वो प्योर होकर हमारे बॉडी में जो हेल्दी ब्लड है वो सर्कुलेट करवाती है, एंड देन नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो यूरेटर के माध्यम से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फॉर्म में कलेक्ट होता है, एंड देन यूरेथ्रा के माध्यम से हमारे बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है, एंड देन हमारी किडनी जो खराब होती है तो हमें
हेमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज खुशी कुमारी फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस हेमोडायलिसिस स्टैंड फॉर टू वर्ड्स, हेमो एंड डायलिसिस। हेमो मीन्स ब्लड एंड डायलिसिस मीन्स फिल्ट्रेशन। इट मीन्स द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। व्हेन एवर आवर किडनी स्टॉप फंक्शनिंग देन वी यूज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे टू टाइप्स ऑफ ब्लड्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जब मात्रा बढ़ जाता है और उसमें नाइट्रोजीनियस और यूरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब बढ़ जाता है तो हमारा जो किडनी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये सबको देखते हुए डॉक्टर्स ने इस प्रोसेस को रिकमेंड किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डायलिसिस मशीन है और यहाँ हम एक ह्यूमन हैंड को रखे हैं और जो हमारा ब्लड नाइट्रोजीनियस ब्लड है वो इस ट्यूब के माध्यम से पंपर में जा रहा है और फिर पंपर से होते हुए डायलिसिस मशीन में और फिर डायलिसिस मशीन से जो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्टेजेस है वो इसमें जा रहा है और फिर जो हमारा प्योर ब्लड है वो फिर हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जा रहा है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सक्षम कुमार सिंह। आई रीड इन स्टैंडर्ड 5 फ्रॉम केडीएम पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू रिस्पेरेंट ए मॉडल ऑफ चंद्रयान 3, द थर्ड मून मिशन बाय इसरो। फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द कॉस्ट ऑफ चंद्रयान 3 इज 600 करोड़ रुपीज। चंद्रयान 3 लॉन्च्ड यूजिंग एलवीएम 3 रॉकेट। द रॉकेट हैज 3 स्टेजेस। स्टेज 1 दिस बूस्टर विल बी यूज्ड, स्टेज 2 विकास इंजन विल बी यूज्ड, स्टेज 3 कैप्सूल इंजन विल बी यूज्ड। थैंक यू। Erosion is the natural process. In this process, the topsoil is removed mainly by wind and water. It is most fertile part of soil. It is very important for the growth of plant. I will tell you to causes. Cutting of trees and plant make the soil loose. The lower soil can be easily blow away by wind. Thank you. Have a nice day. Good morning, sir. Welcome to our exhibition. Myself, Aniket Kumar. I am a student of class 8A. I would like to draw your attention about acid rain. You all know that acid rain is precipitation with elevated acidic level primarily caused by sulfur dioxide and nitrogen oxide emissions. Thank you. Sir, ये industry से जो chemical pollution और vehicle से जो pollution होता है उसका mixture gas बन के cloud में तैयार होके normal rain के जगह acid rain होता है, जिसके कारण फसल खेत ये सब उग नहीं पाते, पेड़ सब जल जाते हैं। सर, इसका रोकने का solution सर व्हीकल कम करना होगा, बाइसाइकिल ज़्यादा यूज़ करना होगा और केमिकल से पॉल्यूशन कम करना होगा सर। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अदर पोल्यूटेड गैसेज। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर सम नेचुरल कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर वाटर वेपर, फॉरेस्ट फायर and volcanic eruption etc. Thank you. अब इसका फायदा क्या है? It help in retaining water. ये water को जमा करके रखता है, which essential for crop growth, जो जरूरी है crop को उगने के लिए। Crop को सड़ने नहीं देता है। ये farmers का पैसा को बचाता है। ये ज़्यादातर बनता है माउंटेन और हिली एरिया में, क्योंकि पहाड़ को काट के जो किया जाता है उसको ट्रेस फार्मिंग कहते हैं। ये हमारा सब्सक्राइबर है, कब से वीडियो देख रहे हो? सर हो गया 3-4 महीने। तो हमारे सब्सक्राइबर यहाँ मिले हैं, अच्छा लगता है वीडियो को? यस सर। चलो आज का भी आप लोग स्कूल का हम कवर कर रहे हैं, ये भी वीडियो देखिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्रोजेक्ट है सर, इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी एक चुनौती है सर। सर हम आपको बताना चाहते हैं एक्सप्लेन में कि गरीबी किस कारण बढ़ती है सर। सबसे बड़ी बात होती है सर कि लैंडलेस, जिनका खुद का अपना जमीन नहीं होता है सर। हेल्पलेसनेस, जिनका कोई मददगार भी नहीं होता सर। इलिटरेट, जो अनपढ़ होते हैं। सबसे बड़ी बात सर कि उन्हें एजुकेशन प्राप्त किया जा सकते हैं। सपोज दिस सर कि साइज ऑफ फैमिली, अगर एक घर में अगर 9 लोग रहते हैं और कमाने वाला सिर्फ एक हो सर, तो उससे क्या होता है सर कि गरीबी बढ़ सकती है। हर इंसान की जरूरत नहीं पूरा किया जा सकता है। सपोज जो एजुकेशन प्राप्त नहीं किए रहते हैं सर, उन्हें मतलब अपना खुद का
हर चीज़ों की जरूरत तो पूरा नहीं किया जा सकता है सर। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ भी नहीं मिल सकता है सर, जिससे पॉवर्टी बढ़ सकती है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट। माय नेम इज प्रदीप शर्मा, वी आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। वी ऑल हैव मेड दिस प्रोजेक्ट स्मार्ट ग्लासेस फॉर ब्लाइंड पर्सन हु कैन नॉट सी, बिकॉज मैनी पर्सन डाइज ऑफ ब्लाइंडनेस, इट कोलाइज फ्रॉम वॉल्स एक्सेट्रा, सो दैट्स व्हाई वी ऑल हैव मेड हियर and we all have used here ultrasonic sensor which detects any object and the buzzer starts buzzing. The main aim of our project to save a life of a blind person because he cannot see. So whenever any object will come here, the buzzer starts buzzing. And now I am going to show practically how it works. Thank you sir. बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा जो क्रिएटिविटी होता है सारा कुछ सिखाया जा रहा है, साथ साथ संगीत से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है केडीएम पब्लिक स्कूल में, जो कि आप देख सकते हैं संगीत से भी जुड़ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। स्कूल के प्रिंसिपल सर से मिलवाते हैं, दीपक सर। देखिए आज का प्रोग्राम है, स्कूल में साइंस होता है और हर एक सब्जेक्ट में साइंस है, तो वो सब बच्चे कैसे उस चीज़ को पढ़ते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं, तो हर एक बच्चे अब एक प्रोजेक्ट के माध्यम से हर एक टॉपिक, वो कोई हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक अपना प्रोजेक्ट बनाए हैं और जो भी गेस्ट आ रहे हैं उसका क्या साइंटिफिक रीज़न है, एक मंत्र भी बच्चा लिख करके रखा है, उस वो मंत्र बोलने से क्या रिएक्शन होगा, क्या हमारे बॉडी में इफेक्ट होगा, समाज में होगा, तो इसके ये कार्यक्रम करने के पीछे यही उद्देश्य है कि बच्चे की प्रतिभा निखर कर हम सबके बीच में आए। यहाँ पे हमारे साथ मनोज भैया भी आया है, इनका भी बेटा, क्या नाम है बेटा का? सचिन कुमार सिंह। कौन सा क्लास में है? क्लास 5 में। देखिए बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है, सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। ये पूरा स्कूल का देख सकते हैं, ये पूरा कैंपस है और अभी इस वाले हॉल में थे और इसी इधर से ही रास्ता है जो किधर में है, तो चलिए आपको इधर भी दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू आवर एग्जीबिशन। माई नेम इज अप्सरा परवीन, आई रीड इन क्लास 7। माई फ्रेंड टेलिंग अबाउट समथिंग। थैंक यू सर। Exhibitions are important because they educate and inspire. They allow us to explore different cultures, ideas and technology. They also promote creativity and innovation. The Calcutta High Court is the first High Court in our India. The High Court is the highest court in a state in India. Article 214 to Article 231 in the Indian Constitution take about their organization and power. The Parliament can also prove for the one High Court two or more states. Article 214 High Courts for states. Article 215 High Courts to be courts of record. Article 216 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। थैंक यू सर। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, अरुष नालो के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्त संविधान के अनुच्छेद 217 खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित होता था, इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है। हमारे देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 144 धारा लगाया जाता है। धन्यवाद। सोच अच्छी होनी चाहिए, नजरों का इलाज है, नजरियों का नहीं। धन्यवाद। भैया हम वीडियो देखते हैं आपका। क्या नाम है आपका? राजवीर माथुर। जितने बच्चे सारे मेरा वीडियो देखते हैं ना? Yes, क्या नाम है आपका? My name is Mithlesh। आपका? मेरा नाम प्रियांशु माथुर। कौन से क्लास में? क्लास फोर है आप लोग सब? शिवम कुमार। सर मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, मेरा नाम साक्षी कुमारी है, मैं पाथरडी में ही रहती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ मिस मुक्ति कुमारी, आई एम स्टूडेंट ऑफ द स्टैंडर्ड 6। आई वुड लाइक टू अटेंशन अबाउट मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। द प्राइमरी क्रॉप ग्रो इनटू राइस, व्हीट, मेज, ऑल द पर्सेस एंड मल्टी कल्टिवेशन ऑफ द टेक्स प्लेस अराउंड द कंट्री। हमारे भारत में कुल 28 स्टेट्स है जो कि अलग अलग फसल उगाई जाती है, जैसे झारखंड में गेहूँ उगाया जाता है, जो कि झारखंड में गेहूँ को खरीफ फसल बोला जाता है।
भूर्भुवः श्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवेश धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थ उस प्राण स्वरूप देव स्वरूप सुस्वरूप तेजस्वी श्रेष्ठ तेजस पाप नाशक परमात्मा को हम ध्यान करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को समार में से प्रेरित करे। धन्यवाद। आपने धार्मिक चीज को गायत्री मंत्र क्यों चुना? क्योंकि हम लोग को संस्कृति भूलना नहीं चाहिए। हाँ, और हम लोग को कुछ अलग करना था इसलिए। मम नाम लक्ष्मी कुमारी अस्ति, अहम अष्टम श्रेणिया छात्रा अस्मि। एतत् मया संस्कृत प्रदर्शन दृष्टम गीता श्लोक संख्या 7 विस्तारण करिष्यामि। यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजामयहम। अर्थ जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब तब मैं यानी श्री कृष्ण अवतार लेता हूँ। संस्कृत आपने चुना है ना, गीता सार आपने चुना है, सर क्योंकि आजकल सबको हिंदी और इंग्लिश में लेते हैं, कोई संस्कृत को वैल्यू नहीं देता। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, इसलिए मैं संस्कृत को चुना। सारा प्रदर्शनी हमने आपको दिखाया जो कि बच्चों के द्वारा बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, काफ़ी ज़्यादा खुशी लगा। पूरे साल का जितना सारा एक्टिविटी हुआ है स्कूल की तरफ से, सारा कुछ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कह रहे स्टॉप, आप क्या बने हो? आप क्या बने हो? ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट। रेड का मतलब क्या होता है? स्टॉप। स्टॉप। येलो का मतलब? वेट। और ग्रीन? गो। यूज हेलमेट। देख सकते हैं आप लोग कौन से क्लास के हैं? क्लास टू। क्या बनाया आप लोग? संज्ञा। अच्छा, यहाँ देखिए संज्ञा दर्शाया गया है। स्टैंडर्ड वन कंप्यूटर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड हैबिट्स। Good morning, sir. My name is Priyansi Mato. I read in KG2. My school name KDM Public School. Today's topic about G20. G20 summit means group of 20 countries. India is hosting G20 first time. Slogan of G20 is Vasudeva Kutumbakam means one earth, one family. Thank you, sir. Narendra Modi. Here are the flags of G20. Turkey, United Kingdom, Saudi Arabia, Germany, European Union, France, Canada, Australia, Mexico, India, Japan, USA, Argentina, Indonesia, Brazil, South Africa, Italy, South Korea, Russia, China. Good morning, sir. G20 के 23 सालों के इतिहास में मिली भारत को नई उड़ान मिला। पहली बार मेजबानी करने का सम्मान, दिखा देंगे दुनिया को भारत है कितना महान। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत करेगा मानवता का कल्याण।
बदलेंगे हम संसार को, भारत के उच्च विचारों से बचाएंगे हम संसार को, मानवता के हथियारों से एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, सिर्फ एक नारा नहीं दुनिया को आगे ले जाने का यह है एक मंत्र, इसी मंत्र से होगी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार, सब मिलकर कर पाएंगे दुनिया का उद्धार, पर यह होगा तभी सरकार जब वसुदेव कुटुंबकम को दिल से मानेगा पूरा संसार। थैंक यू सर। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर केवल साइंस का ही एग्जीबिशन नहीं हो रहा है बल्कि विभिन्न विषयों का, तो छोटे छोटे बच्चे हमारे संस्कृत के वेद हैं, गीता का सार है, गायत्री मंत्र का उच्चारण है, उसका अर्थ है, हिंदी व्याकरण का एक सामान्य सा कि मतलब एक साधारण बच्चा जो नहीं समझ सकता है उसे भी हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज कैसे दिया जा सकता है, एक मॉडल के माध्यम से टेबल कैसे उनको याद कराई जा सकती है, एक मॉडल के माध्यम से इन सब का मॉडल बच्चों ने बनाया। और जो ये क्राफ्ट आप देख रहे हैं तो ये क्राफ्ट भी जो है हमारी क्लास में बैठ करके ही जूनियर क्लास के कुछ बच्चों ने बनाया, क्लास 4-5 के बच्चों ने बनाया, तो इससे पता चलता है हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते बच्चे इतना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें सहयोग मिले, उनको उत्साहवर्धन किया जाए तो बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। मतलब बच्चों का हिडन टैलेंट को दिखाने का प्रयास है और साथ ही साथ धार्मिक चीजों से भी जोड़ने का प्रयास किया जाता है। पिछले बार हम जब आए थे यहाँ पे तो गायत्री परिवार की तरफ से पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था, उसमें भी हम आए थे और काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हम तो चाहते हैं कि हर स्कूल में नहीं, हर जगह हर परिवार में से शुरू करना चाहिए, धार्मिक चीजों से जोड़ना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भूलते जा रहे हैं। उस चीज को जोड़ने का प्रयास केडीएम पब्लिक स्कूल कर रही है जो कि काफी ज्यादा सराहनीय है। इस वीडियो को यही लास्ट करेंगे और इस वीडियो में हम आपको इस स्कूल का बच्चों का द्वारा बनाया गया क्राफ्ट और एग्जीबिशन सारा कुछ हम आपको दिखाया। इस वीडियो को बनाने का मकसद, आपको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप लोगों को बच्चों का अंदर का टैलेंट दिखाना था और जिस तरह से स्कूल का प्रयास है कि बच्चों को क्राफ्ट से और एग्जीबिशन से जोड़ना, उनके बारे में जागरूक करना, हमारा भी यही प्रयास था कि आपको दिखाए और आपको सिखाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक।